शुभोदयम, नमस्कारम। मुझे इतनी आपकी विशाखापट्टनम की लैंग्वेज आती है। सो मायसेल्फ इंस्पेक्टर संजय गोविलकर, मैं मुंबई पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आई फील मुझे मुंबई पुलिस का हिस्सा होने में हमेशा गर्व रहा है, क्योंकि मुंबई पुलिस वर्ल्ड की सेकंड बेस्ट पुलिस मानी जाती है, लेकिन मैं तो कहता हूँ वर्ल्ड की नंबर वन पुलिस मुंबई पुलिस है। दोस्तों, मुझे पता, मेरे डैडी पुलिस में, मेरे डैडी ने करियर चालू की थी एज अ कांस्टेबल, तो वो रिटायर हो गए एज अ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। और आज ही के दिन अभी मुझे SMS आया कि मेरे दोस्त के डैडी आज सुबह एक्सपायर्ड हो गए। कोइंसिडेंटली 4 साल पहले मेरे भी डैडी आज हुए थे। सो एक्चुअली आज मुझे घर पे होना चाहिए था, बट आई फील कि उन्हें यहाँ पे अगर मैं कुछ आपको शेयर कर सकूँ वो असली श्रद्धांजलि होगी। सो आई एम हियर। तो मैं यहाँ पे अपने पुलिस कैंप में पला बड़ा हूँ, जैसे कि गवर्नमेंट, आप देखते होंगे पुलिस वाले के बच्चे कैसे पढ़े होते हैं। उनके सामने कोई ऐसी इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना या कोई ख्वाब नहीं था। मुझे बस इतना ही है कि गवर्नमेंट क्वार्टर मुझे फिर से चाहिए थी, तो मुझे पुलिस ऑफिसर बनना था। सो और मुझे वो अट्रैक्शन भी था। फिल्मों में आप देखते होंगे कि पुलिस की पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड रहती है, तो पुलिस का जो एक वेपन रहता है, एक रेबन गॉगल रहता है, एक बुलेट रहती है, उस चीज का मुझे एट द एज ऑफ, आई एम टॉकिंग अबाउट एट द एज ऑफ 20, वो बहुत अट्रैक्शन था कि मैं भी एक दिन ऐसे गाड़ी में जाके रिवॉल्वर लेके मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा। एंड फाइनली MPSC की 2 साल की आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद, 2 साल पढ़ाई के बाद, मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के बाद मैं अलग अलग पुलिस स्टेशन में काम किया और ये सिलसिला होता रहा था। इन 2008 में मुझे प्रमोशन मिला एज असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर। एंड मैं प्रमोशन के बाद ज्वाइंट हो गया DBMRK पुलिस ऑन 22 नवंबर 2008। सो 22 नवंबर को जब मैं ज्वाइंट हो गया तो पुलिस स्टेशन का पूरा एरिया देखना पड़ता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज, ये वो सब मैं रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करने में 2-3 दिन चले गए। 26/11 को भी मैं पूरा दिन ड्यूटी करके, मॉर्निंग से बैंक पेट्रोलिंग, बैंक विजिट्स, नाकाबंदी सब करके रात को 9 बजे मैं घर पर पहुँचा। जैसे ही घर पर पहुँचा तो नॉर्मली एक रूल बनाया गया, खाना खाते समय हम लोग टीवी नहीं देखेंगे, हमारे घर पे रूल बनाया। तो सडनली देखा कि टीवी पे एक न्यूज आ रहा था, तो मैं बोला रुक, अपन न्यूज देख के खाना खाते। तो न्यूज था कि होटल लीपोर्ट के सामने फायर हो रहा है। नॉर्मली 20 साल के सर्विस में मुझे ये एक्सपीरियंस था कि क्रिमिनल जब फायर करते तो नॉट मोर देन 20-25-50 बुलेट्स इज मोर देन इनफ, पर यहाँ पे कंटिन्यूसली फायरिंग, मेरे अंदर का पुलिस ऑफिसर को बैठाया नहीं गया। मैं इमिडिएटली मैं वाइफ को बुलाया, जस्ट मैं देख के आता हूँ, पुलिस स्टेशन जाता हूँ। मैंने बाइक को किक मारा, मैं पुलिस स्टेशन आया। माय सीनियर इंस्पेक्टर माली ने मुझे बताया कि गिरगांव चौपाटी पे नाकाबंदी के लिए आप चले जाना। तो मैं नाकाबंदी के लिए वहाँ पे खड़ा था, तो तभी वहाँ पे ओम्बाले साहब, अपने नाम सुना होगा, भास्कर कदम, बावधनकर और मेरी 14-15 जनों की टीम वहाँ पे नाकाबंदी के लिए अलर्टरी खड़ी थी। हम लोग जब भी खड़े थे तो वॉकी टॉकी पे हमारा जो संजय पाटिल, जो मेरा ऑपरेटर था, वो वॉकी टॉकी पे कंटिन्यूसली मैसेज आ रहे थे कि ओबेराय में बारूद फेंके जा रहे हैं और ताज में फायरिंग हो रही है, VT में फायरिंग हो रही है, नरीमन हाउस में फायरिंग हो रही है। तो वही एज ए पुलिस ऑफिसर मैं कन्फ्यूज हो गया था, अचानक इतने जल्दी मुंबई के अंदर आके क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, कुछ भी पता नहीं था। और वॉकी टॉकी भी तो कंटिन्यू है, हमारे ब्रे ऑफिसर फाइट कर रहे थे व्हाट एवर द इक्विपमेंट्स दे हैव दैट टाइम। तो 12:15 बजे हमें एक मैसेज आया कि एक गाड़ी गिरगांव चौपाटी की तरफ स्कोडा गाड़ी आ रही है, और हम लोग ने उसी के पहले रोड इस तरफ साउथ मुंबई से उस तरफ कोई भी
जाना नहीं चाहिए, इसके लिए हम लोग रोड ब्लॉकिंग करके रखे थे, उसको नाकाबंदी कहते हैं। आपको आपने भी देखा होगा रोड ब्लॉकिंग, हम नाकाबंदी करते हैं तो गाड़ी रुका के फिर आगे चली जाती है। तो 12:30 को 0013 नंबर से हम लोग कहते हैं एक स्कोडा गाड़ी आ गई। स्कोडा गाड़ी जैसे ही वहां पे आई तो स्कोडा गाड़ी ने अपने बैरिकेड से 50 फीट दूरी पे वो लोग रुक गए, और रुकने के बाद उन्होंने हेडलाइट ये कर दिए, प्रखर कर दिए, हेडलाइट प्रखर किए और वाइपर चालू किए, तो कुछ दिख नहीं रहा था। तो हम लोग थोड़ा आगे गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहे थे तो कि उन्होंने इमिडिएटली वो गाड़ी को यू टर्न लेने की कोशिश की, और वो यू टर्न वो डिवाइडर के जाके टकरा गया। जैसे ही डिवाइडर में जाके टकरा गया, जो ड्राइविंग सीट पे टेररिस्ट था उसने रिवॉल्वर निकाला, और इमिडिएटली हम लोग दो टीम में बांटे गए। एक टीम में मैं था, ओम्बाले साहब थे और मेरे साथी थे, दूसरी टीम में भास्कर कदम, हेमंत बावदनकर और हमारा स्टाफ था पूरा। तो जैसे ही वो ड्राइविंग सीट का जो बैठा था उसने रिवॉल्वर निकाल के फायर किया, इतने में भास्कर कदम ने परफेक्ट गोली चलाया और उसके सर पे गोली लगा भास्कर कदम का, वो जो ड्राइविंग सीट पे बैठा था वो। तभी इमिडिएटली बावदनकर साहब ने भी गोली चलाया और उसको बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया जो ड्राइविंग सीट पे बैठा था। जब ये हो रहा था तभी जो इस तरफ ड्राइविंग के बगल में बैठा था, जिसकी तरफ मैं उम्बाले साहब हम लोग बड़े थे, जैसे ही दरवाजे की तरफ गए उसने थोड़ा सा हाथ ऊपर किया, हम लोग पकड़ नहीं जा रहे थे तो उसने जमीन पे छलांग लगाई और उसके कार्गो पैंट जो थी, कार्गो पैंट से AK-47 निकाल के फायर करने ही वाला था, तो उम्बाले साहब ने पकड़ने की कोशिश की तो उसने फायर किया, तो सब गोली उम्बाले साहब ने अपने ऊपर ले ली, मुझे एक गोली लगी और हम कुछ सेकंड के लिए थोड़े से बाजू हो गए। जैसे ही हम लोग बाजू हो गए तो इमिडिएटली बोला अगर ये वापस फायर करेगा तो हम लोग सब लोग मर जाएंगे। हमारे पास सिर्फ लाठी थी ए टीम के पास, और मेरे पास उस दिन वेपन भी नहीं था, तो इमिडिएटली हम लोग लाठी काठी लेके उसके ऊपर टूट पड़े। जैसे ही ऊपर हम लोग उसके ऊपर टूट पड़े तो भास्कर कदम और हेमंत हम लोग को सपोर्ट के लिए आया था, तो इमिडिएटली हम लोग ने उसको बोला नहीं इसको पकड़ना जरूरी है क्योंकि AK-47 है, हैंड ग्रेनेड है, कौन है क्या है, तो उसे पकड़ के नायर हॉस्पिटल में लेके गए और मुझे और ओम्बाले साहब को हरकिशन दास हॉस्पिटल ले जाया गया। 4-5 दिन मैं हॉस्पिटल में था। उसके बाद जब इंट्रोगेशन चालू हो गया कसाब का तो दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मुंबई पुलिस एवर, क्योंकि आज तक वर्ल्ड में कोई भी जिंदा फिदाइन पकड़ा नहीं गया है, क्योंकि फिदाइन का मतलब ही वो होता है कि वो लोग मार के मरने के लिए आते हैं, उनका मोटो ही यही रहता है कि जितना मैक्सिमम कैजुअल्टी कर सके, कैजुअल्टी करते करके मरना है, उनके दिमाग में जन्नत जाओगे वगैरह वगैरह लिखा रहता है, तो उसके उन्हें मौत की फिक्र नहीं रहती। तो ऐसे 10 लोगों में से एक का जिंदा रहना अपने देश के लिए बहुत जरूरी था, ताकि इसके पीछे क्या क्या राज है वो पता नहीं थे। तो फिर जैसे उसको जिंदा पकड़ा फिर उसे हॉस्पिटल लेके गए। जब इंट्रोगेशन हुआ तब पता चला कि ये टोटल टेररिस्ट थे, जो ट्रेन टेररिस्ट ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान से आए थे। आपको लगा होगा कि नेवल पुलिस को कैसे नहीं पता चला, इसको पता नहीं चला, तो उन्होंने जो अपनी बॉर्डर रहती है सी बॉर्डर, वहां पे जो अपने मछुआरे जाते हैं, तो वहां की जो थी उसको हाईजैक किया और उसमें चढ़ गए, ताकि इंडियन जो समुंदर है उनको लगे कि बाबा ये अपना इंडियन का ही मछुआरों का बोट है, और वो बोट से वो उसमें से जो 4 मछुआरे थे उधर ही वहीं पे उन्होंने उतार के उनको मार डाला। फिर यहाँ पे जो सोलंकी करके थे उनको बॉर्डर तक बंबई के पास लेके आए, टिंगरी में बैठ के कुलाबा में बुधवार पार्क में आ गए। वहां से उन्होंने 5 टीम तैयार किए, एक टीम गई ओबेरॉय, एक टीम गई नरीमन हाउस, एक टीम गई ताज, 2 टीम ताज गई और एक टीम गई वीटी। और उन्होंने प्लानिंग इतना परफेक्ट था कि जो जो वो टैक्सी में बैठे थे वो टैक्सी के नीचे उन्होंने आरडीएक्स की बैग रखी थी, जो ऐसी नॉर्मली कॉलेज स्टूडेंट लेते उस तरह की बैग थी, सैक थी, उसमें आरडीएक्स भरा था, ताकि उनका प्लान ऐसा था कि जैसे ही ये लोग कहीं पे अपने ओबेरॉय ताज यहाँ पे हमला करे, वैसे अगर टैक्सी कहीं पे भी जाते जो एरिया में, तो वो एरिया में टैक्सी का ब्लास्ट हो, वैसे ही वाड़ी बंदर में ब्लास्ट हुआ और विले पार्ले में ब्लास्ट हुआ, तो पूरे बम्बई में हड़कंप
मचना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए किसने अटैक किया। और तभी नरीमन हाउस पे, सॉरी यहाँ पे जब भी गए अपने ओबेरॉय में, तो उन्होंने गेट पे 25 kg का RDX का बैग रखा था। और जब भी पुलिस को मालूम पड़ा तो पुलिस वहाँ पे गए, वहाँ बम स्पॉट के एक ऑफिसर थे सचिन गावड़े और शिंदे करके इंस्पेक्टर थे, उन्होंने वो बैग को देखा और इमिडिएटली बॉम ब्लैंकेट उसके ऊपर, वो बैग के ऊपर रख दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो बॉम ब्लैंकेट डालने के 5 मिनट बाद वहां पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। आपने देखा होगा कि वो पूरी कांच ओबेरॉय की फूटी हुई नजर आती है वो ब्लास्ट में। अगर वो नहीं रहता था वो ब्लैंकेट, तो शायद ओबेरॉय के कितने और कैजुअलिटी हो जाती थी। तो उसके बाद ताज में जब पता चला, ताज में फायरिंग, वहां के जो तभी के DCP थे नांगरे पाटिल साहब थे, एडिशनल कमिश्नर राजवर्धन साहब थे और देवेन भारती साहब थे और नगराले साहब थे, इन्होंने जो भी उनका ब्लॉक पिस्टल रहता है वो लेके उनको उनके ऊपर हमला किया। लेकिन तब तक, और हमला करने का फायदा ये हो कि और वो ऊपर चले गए ताकि नीचे की जो हॉल्स है, रेस्टोरेंट्स है, वहां के काफी आदमी वो फाइट करने की वजह से बच गए। तो जब ये टीम गई, एक टीम गई VT में, जब VT की टीम वहां पे आ गई, तो VT में उन्होंने, आपको तो पूरे वर्ल्ड ने देखा है VT में उन्होंने क्या किया। VT में वहां पे भी शिंदे था, उसके रिवॉल्वर से वो ये कर रहा था, पर पीछे से जैसे ही वो आगे रिवॉल्वर से पीछे के पिलर से आके अबू इस्माइल ने उनको फायर कर दिया, तो वहां पे वो शहीद हो गए। और बहुत सारे होमगार्ड शहीद हो गए, बहुत सारे कॉमन मैन बेचारे सबको मारते मारते वो लोग कामा में गए। कामा में जैसे ही गए, वो इंफॉर्मेशन हमारे एडिशनल कमिश्नर दाते साहब को मिली। दाते साहब ने सिर्फ 4 या 5 लोगों के साथ वो कामा में जो गए थे उनके पीछे लगे, तो उनको टेरिस पे जाना पड़ा। वहां पे कम से कम 45 मिनट्स दाते साहब ने फाइट किया, और वो फाइट करने की वजह से उनको वहां पे भी किसी का और किसी को किडनैप नहीं कर सके। उन्हें फिर हैंड ग्रेनेड फेंका, दाते साहब के आंख में हैंड ग्रेनेड गया, पैर में गया, शिंदे साहब इंजर्ड हो गए, एक जवान शहीद हो गया। तो वैसे ही वो फिर उनको कुछ पर्याय नहीं था, वो नीचे आ गए दोनों। और नीचे आके तब तक और उनको सपोर्ट के लिए जॉइंट कमिश्नर करकरे सर थे, उसके बाद हमारे कामटे साहब थे, सालसकर साहब थे, और ये जैसे ही वो कॉलिस गाड़ी लेके आ रहे थे, तो रोड के यहाँ पे वो झाड़ी में ये दो टेररिस्ट छुपे हुए थे, उन्होंने वो गाड़ी पे बौछार फायरिंग किया। उन्होंने भी कोशिश किया फायर करने की, पर उन सबको मार के वो गाड़ी से उनको उतार के वही गाड़ी किडनैप करके वो लोग विधान भवन की तरफ गए, और वहाँ पे उन्होंने वो स्कोडा गाड़ी किडनैप किया और हमारी तरफ आए थे। फिर हम लोग ने कैसा पकड़ा ये तो हमने बताया ही आपको। ये जैसे ही हादसे होते हैं तो इसके इफेक्ट क्या हो गए, मींस 26/11 तो हो गया, तो 26/11 होने के बाद हम लोग ने एक टेररिस्ट को पकड़ा, उसके बाद एडिशनल सॉरी ATH चीफ राकेश मारिया जो अभी के हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रांग इंटरनेशनली एविडेंस कलेक्ट करके इस केस को पूरे इंटरनेशनली इन्वेस्टिगेशन करके कसाब को हैंग हो गया, ये तो आपको सबको पता है। बट हमने पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया हमारी न्याय व्यवस्था कितनी पारदर्शक है। हम लोग कहते थे कि इट्स वेरी इजी टू सी कि बाबा उसको तुरंत फांसी देना चाहिए, ये करना चाहिए, बट हम सब प्रणाली से किस तरह से हम लोग सब न्याय व्यवस्था को नजरअंदाज नहीं करते हुए वहां उसको फांसी तक पहुंचा दिया। और पूरे वर्ल्ड को सबसे इंपॉर्टेंट है, टेररिस्ट के पीछे किसका हाथ है ये हमने वर्ल्ड को दिखा दिया। इसके पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक था, ऐसा नहीं कि कसाब को फांसी देना इट्स नॉट अ क्वेश्चन, इसके पीछे क्या, टेररिस्ट के पीछे क्या है, ये पूरे वर्ल्ड ने देख लिया है। तो जैसे ये हमला हुआ, तो ये हमले में जो भी अपने राइट फ्रॉम टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, वहां पे हमाल, डॉक्टर, फायर ब्रिगेड, जो जो उनको ये हुआ, उन्होंने सबने हॉस्पिटल में इंजर्ड को पहुंचाना है, ये करना है, ब्लड देना है, एम्बुलेंस है, एवरीथिंग, सब लोग हेल्प कर रहे थे। उस समय हम लोग के अंदर एक यूनिटी आ गई थी कि हम सब लोग एक इंडियन हो गए थे, भारतीय हो गए थे दोस्तों। लेकिन वक्त गुजरता जाता है वक्त गुजरता जाता है
और हम लोग धीरे धीरे ये सब घटनाओं को भूलते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26/11 हम लोग तिरंगा को बहुत गर्व से सल्यूट करते हैं और पूरा दिन अपने सीने पे तिरंगा लगाते हैं, लेकिन जैसे ही सेकंड डे आता है तो यू माइट तिरंगा रास्ते पे पड़ा होता हुआ होता है। सो यही अपनी देश प्रेम है, क्या हम डिसिप्लिन पाल रहे हैं। मैं आज ही सुबह जब कल मैं विशाखापट्टनम में आया तो मैंने देखा कि कितने सारे पुतलों की जयंती करते हैं उस दिन, उनको हार पहनाते हैं, उनका बहुत बढ़िया से ये करते हैं, लेकिन वही पुतले की मालाएं सूखी हुई मैंने देखी। आप भी ऑब्जर्व कर सकते हो, पुतले की माला आज भी कुछ पुतलों की सूखी हुई थी। तो हमारा देश प्रेम सिर्फ 15 अगस्त, 26 जनवरी या 26/11 को ही जगना चाहिए दोस्तों? आई एम आस्किंग यू फ्रेंड्स। तो एवरी डे हम लोग सुबह उठने के बाद जैसे हम लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग अपने देश के लिए, अपनी जो मातृभूमि है उसी को भगवान समझ के अगर हम लोग ये करें, तो मुझे लगता है देश के प्रति अगर रियल हम लोग कुछ नेशन के प्रति काम करेंगे। दोस्तों मैंने सोचा सिर्फ बोलना बहुत आसान है, यहाँ स्टेज पे आके कहना कि बाबा तुम नेशन के प्रति ऐसा करो वैसा करो, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट कि क्या किया जाए, क्योंकि हम लोग इंडियन लोग इतने कल्चर, इतने रिलीजन, इतने में बटे हुए हैं कि हमको इकट्ठा लाना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो क्या कर सकते हैं कि हम लोग एक हो सकते हैं? तो हम लोग दुनिया के कहने से अच्छा कि मैं खुद क्या कर सकता हूँ, ये मैंने सोचा। और हमारी एनजीओ है जीवन रंग, हम लोग इतने रिलीजन में बटे हुए तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो जीवन रंग एक माध्यम से है कि हमारे ग्रुप में जो भी बच्चा बॉर्न होगा इसके आगे उसकी कास्ट इंडियन रहेगी, वो ना मणिपुरी रहेगा, ना महाराष्ट्रियन रहेगा, ना यूपी का रहेगा, ना किधर का रहेगा। और उसकी शुरुआत 23 जनवरी 2010 में हुई है। कैसे? 23 जनवरी सुभाष चंद्र जी का बर्थडे रहता है, बाला साहेब ठाकरे का भी रहता है, उसी दिन मुझे एक बच्चा हो गया है। तो उस दिन हॉस्पिटल में मैं जब गया उसका बर्थ सर्टिफिकेट भरते है, तो स्पेसिफिकली मैंने उसका बर्थ डेट पे मैंने बर्थ सर्टिफिकेट पे मैंने उसके कास्ट इंडियन लिखी, और उसके आके ना हिंदू लिखा, ना मुस्लिम लिखा, ना क्रिश्चियन लिखा। और नॉट ओनली मी, उसके बाद मेरे ग्रुप में जितने जीवन रंग से अटैच लोग हैं वो सब ने अपने बच्चों की कास्ट इंडियन रखी है, क्योंकि अभी इतने हम लोग टेक्नोलॉजी से एडवांस हो गए सर, अभी इतना फास्ट 49 के एज में फेसबुक वगैरह क्या बात है। सो सरप्राइज कि इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो मुझे लगा कास्ट में भी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। Am I right? So, ये हम लोग कर रहे हैं। आज ही मैंने एक रिजोल्यूशन लिया है रॉकिंग स्टोन का सुन के, मैंने अभी बताया उनको, आज से जो भी मैं मीन्स लिखूंगा वो इंग्लिश में लिखूंगा। सो फ्रेंड्स, आपने सुना किस तरह 26/11 हो गया, किस तरह हम लोग 15 अगस्त, 26 जनवरी के बाद अपने देश को भूल जाते हैं। तो क्या आप मुझसे एग्री है कि हम लोग 26/11 के बाद भूल जाते हैं देश को? नहीं, यहां बोलते हैं 15 अगस्त के बाद। मुझे फ्रेंकली बताइए, हम भूलते हैं कि नहीं भूलते अपने देश को? राइट? यहां कितने लोगों के पास मोटरसाइकिल्स है? प्लीज हाथ ऊपर कीजिए, मेरे पास तो है। अरे झूठे हाथ ऊपर मत करो यार, यानी मोटरसाइकिल नहीं, चलो कार किसके पास है? अच्छा, सबके पास है, ऑलमोस्ट 90%। कितने लोग सिग्नल नहीं तोड़ते है? वो उतना हाथ लोग ऊपर करो। गुड, 90% रिड्यूस इनटू 30%। ओके फाइन, अगर हम लोग अपने देश की ये नहीं करेंगे, मीन्स रूल्स नहीं अप्लाई करेंगे, तो टेररिस्ट को एक मौका मिलता है, क्योंकि हम लोग गाड़ी भी जो पार्क करते हैं, कैसे भी गाड़ी पार्क करते हैं, जैसे आप देखो मोटरसाइकिल लेते हैं स्टूडेंट, इसमें डर के बराबर प्रॉपर जगह पे पार्क करते हो, बट वही रोड पे जाते हो तो कहीं पे भी आपकी गाड़ी पार्क रहती है। तो प्लीज आप मेरे साथ एक आज शपथ लोगे?
15 अगस्त को जो ये बैच आप लगाते हैं सीने पे, उसको दूसरे दिन जितने भी रास्ते पे फ्लैग पड़ेंगे उसको क्या करेंगे? पक्का? कितने लोग सिग्नल नहीं तोड़ेंगे? गुड, ग्रेट, थैंक यू सो मच।